गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। का इंतजार सभी फैंस को बेसब्री से है। ऐसे में हाल ही में फिल्म के सेट से रश्मिका मंदाना की एक फोटो वायरल होती नजर आ रही है। तस्वीर में रश्मिका गोल्डन बॉर्डर वाली लाल साड़ी पहने हुए दिख रही है। उनके गले में हैवी ज्वेलरी भी नजर आ रही है। एक्ट्रेस बालों में ऑरेंज गजरा लगाए हुए शर्माती हुई दिखाई दे रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका से पुष्पा 2 के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि एक बात का मैं आप लोगों से वादा कर सकती हूँ कि ये फिल्म बड़े पैमाने पर शूट होने वाली है। हम लोगों ने आधी फिल्म शूट भी कर ली है। हाल ही में तेलुगु सिनेमा नाम की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक मेकर दूसरे पार्ट थोड़ा ग्लैमर लाना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पिक्चर में जाह्नवी कपूर की एंट्री हो सकती है। उनका रोल काफी अहम भी हो सकता है। सुकुमार के डायरेक्शन में बन रही फिल्म पुष्पा 2 इस साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना के साथ फहद फासिल, जगदीप प्रताप भंडारी, सुनील राव, रमेश और धनंजय भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 332 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में पुष्पा नाम के मजदूर की जिंदगी चंदन की लकड़ी के बिजनेस को करीब से देखने से पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म की स्टोरी लाइन के अलावा अल्लू अर्जुन की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर और फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए गए थे। इसके अलावा फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन और ड्रामा देखने को भी मिला था। कुछ ऐसी ही उम्मीद हमें दूसरे पार्ट से भी है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल एजी फिल्म्स ट्रेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे।